हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन के में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं झींगी पार्सल, जो आप बच्चों के टिफ़िन में, छोटी मोटी भूख में, या फिर बच्चों की बर्थडे पार्टी हो तो उसमें आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हो। सबको बहुत ही पसंद आने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाने चलते हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। यहाँ पर आप सरसों का तेल ही लीजिएगा। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया है। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम ये मैरिनेशन करेंगे। ये देखिए, इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है। सरसों के तेल में जब हम मैरिनेशन करते हैं तो इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही ले लिया है, ये घर का दही है, दही मीठा ही होना चाहिए। तो हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैं कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च, थोड़े से बॉईल किए हुए कॉर्न ले लिए हैं, और 150 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है। इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हम सारी सब्जियों को बाउल में डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। तो अच्छे से हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हम मैरिनेशन करते हैं सब्जियों का तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, ताकि अच्छे से सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब मैं यहाँ पर गार्लिक बटर बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है। 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाली है। आपके पास पिज्ज़ा सीजनिंग है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैं नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने लहसुन को कद्दूकस कर लिया है। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें कटा हुआ धनिया डाल दिया है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। मैं यहाँ पर मिंट मेयोनीज़ ले रही हूँ, ये मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं, यानी कि 4 चम्मच के करीब है। अगर आपके पास सिंपल वाली मेयोनीज़ है तो आप इस तरह से धनिया और पुदीने का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं, तो आपकी ये मिंट मेयोनीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी मिंट मेयोनीज़ है तो मैं यही ले रही हूँ, तो इसको भी हम अभी साइड में रख देते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही हूँ, 1 चम्मच के करीब। अच्छे से हम इसको कढ़ाई में चारों तरफ से लगा लेते हैं, ताकि हमारी सब्जियां जो जले ना। जो हमने मैरिनेट करके रखी थी सारी सब्जियां, उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 मिनट ही हमने इसको सॉल्टे करना है, ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। अब हाई फ्लेम पर चलाते हुए मैंने इसको 1 मिनट हो चुका है, ये देखिए ऑयल भी इसने रिलीज कर दिया है। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम अगला प्रोसेस कर लेते हैं। मैंने एक ब्रेड लिया है, इसको मैं बेलन से इस तरह से बेल रही हूँ, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें इसको बेलना है, ताकि ब्रेड हमारा टूटे ना। ब्रेड एकदम ताज़ी होनी चाहिए, नहीं तो ये टूट जाती है। अब हम ब्रेड के ऊपर गार्लिक बटर लगा देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरह से मिंट मेयोनीज़ लगा दी है, बिल्कुल हमें लंबाई में इसको लगाना है, और इसी के ऊपर हम जो हमने मैरिनेशन करके सब्जियाँ रखी थी उसको भी हम डाल देते हैं। इसके बाद हम इसमें चीज़ लगाएंगे। मेरे पास स्लाइस वाली थी तो मैं इसमें तोड़कर इसको लगा लेती हूँ। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ है या प्रोसेस चीज़ है तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों ब्रेड को, और एक टूथपिक के साथ इसको सील कर देते हैं, और बहुत ही अच्छी हमारी झींगी पार्सल बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं आपको दूसरी ब्रेड भी दिखाती हूँ। अच्छे से हम इसको बेलन से बेल लेते हैं, धीरे धीरे से दबाते हुए हम इसको बेलेंगे। तो हम ब्रेड के ऊपर गार्लिक बटर स्प्रेड कर देते हैं, मेयोनीज भी हम इसको लगा देते हैं लंबाई में। उसके बाद हम सब्जियों को इसके अंदर डाल लेते हैं, फिर हम चीज़ लगा देते हैं। जो भी आपके पास चीज़ है वो आप इसमें लगा सकते हैं, और बिना चीज़ के भी ये नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा बनता है। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास चीज़ नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। ऊपर नीचे करके ब्रेड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और एक टूथपिक लेकर इसको हम सील कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पार्सल बनकर तैयार हो गया है। देखिए लग रहे हैं ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। और पिज्ज़ा और बर्गर को तो आप भूलने ही वाले हैं इस नाश्ते को जब आप टेस्ट करेंगे। ऊपर से हम इसके ऊपर गार्लिक बटर लगा देते हैं, जिससे कि ऊपर से भी ये बहुत ही अच्छा सा इसके में कलर आ जाए। अब मैं यहाँ पर आपको तवे पर दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है, तो इसके ऊपर मैं गार्लिक बटर लगा देती हूँ। आप कोई भी यहाँ पर ऑयल लगा सकते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर फॉइल पेपर या फिर बटर पेपर भी लगाकर इसको इस नाश्ते को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटर लगा लिया है, तो इस तरह से हम सारे नाश्ते को इसके अंदर डाल देते हैं। और गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, और इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे ऊपर लीड के साथ। और इसके अंदर जो होल है उसको मैंने आटे से बिल्कुल इसको बंद कर दिया है, ताकि इसकी हवा जो है बाहर ना निकले। तो दोस्तों, 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारे पार्सल बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं आपको कढ़ाई में भी बनाकर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसको प्री हीट कर लिया था। पहले मैंने इसमें रिंग रखा है, और उसके ऊपर मैंने इस तरह से प्लेट रख ली है। प्लेट को भी मैंने ग्रीस कर दिया है बटर से। इस तरह से हम नाश्ते को इसके ऊपर रख लेते हैं।
अच्छे से हम सेट कर देंगे और इसको भी हम ढककर रख देते हैं। और हमारे झींगी पार्सल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों हमारी लाइट चली गई और शाम को 5 से 6 बजे तक ये लाइट आएगी, तो मैं आपको बरांडे में ही नाश्ता सर्व करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आपको ये नाश्ता कैसा लगा? आप पिज्ज़ा और बर्गर को तो आप भूलने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।